मित्रों, आज की नोवा सेटअप में मैं आपको थ्री बेस्ट नोवा सेटअप के बारे में बताऊंगा, जहां पर कि आप अपने स्मार्टफोन के होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पे जो फर्स्ट नोवा सेटअप है, इसका नाम रखा गया है एब्स्ट्रैक्ट ब्लू नोवा सेटअप। यहां पे दो विजेट और कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स को होम स्क्रीन पे अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे जो भी विजेट का प्रयोग किया गया है, उनकी डाउनलोडिंग लिंक और साथ में यहाँ पे राउंडेक्स आइकन पैक का प्रयोग किया गया है, जो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर जितने भी सारी एप्लीकेशंस हैं उनके इंटरफेस को कुछ इस प्रकार से चेंज करके कुछ नया लुक देती है। तो यहाँ पे जो राउंडेक्स आइकन पैक का प्रयोग किया गया है, उसकी भी डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको एक जीप फाइल मिलती है, जिस जीप फाइल के अंदर आपको विजेट, नोवा बैकअप फाइल्स और वेब वॉलपेपर मिल जाते हैं। सिंपली से आपको उसे अपने स्मार्टफोन में रीस्टोर कर लेना है। अगर आपको नोवा सेटअप के बैकअप फाइल को रीस्टोर करने नहीं आता है, तो अभी आपको आई के बटन पर दिख रहा होगा एक वीडियो की लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हैं। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे आप नोवा सेटअप के बैकअप फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए, जो विजेट का प्रयोग किया गया है, विजेट में मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आप कैसे अपना नाम यहाँ पे लिख पाएंगे? तो सिंपली से जब आप बैकअप करके विजेट को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो विजेट पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। विजेट पर क्लिक करते ही आपके सामने में कस्टम विजेट का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली से ग्लोबल्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे में देखिए नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम पर आप क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हैं। आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना नाम फॉर्मूला एडिटर के नीचे लिखना है, कुछ यहाँ पे लिखना है और ऊपर नाम आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने स्मार्टफोन में इस नोवा सेटअप को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड नोवा सेटअप। तो नोवा सेटअप सेकेंड का नाम रखा गया है मर्करी नोवा सेटअप। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें मात्र एक विजेट का प्रयोग किया गया है पूरे होम स्क्रीन पर, जो कि पूरे होम स्क्रीन को एक अलग लुक प्रदान करता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे वॉलपेपर सेट करना है, नोवा सेटअप के बैकअप फाइल को इसमें रीस्टोर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको पूरे होम स्क्रीन पर एक KWGT विजेट को सेव करने का ऑप्शन चला आता है। तो KWGT का मैं बैकअप फाइल दे दूंगा आपको वहाँ से, तो आप अपने KWGT विजेट को यहाँ पर सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि होम स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नीचे में देखिए आपको एक 3 डॉट मिलता है, जिस पर क्लिक करने के बाद आप अपने ऐप ड्रॉअर को ओपन कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोन डायलर, मैसेज और क्रोम का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और ठीक ऊपर आप देखिए फ़ोन, फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर और गूगल सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। तो यह सिंपली से डायरेक्टली काम नहीं करता है, वर्क करने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट सेट करना पड़ता है। सिंपली से अपने आप विजेट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स के ऑप्शन पे चले आना है, और यहाँ पे देखिए जितने भी सारे ऑप्शन में नाम लिखे गए हैं, उन सारे ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे कि पहला फेसबुक है, तो फेसबुक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपने फेसबुक एप्लीकेशन को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे में गूगल प्लस है, तो गूगल प्लस फिलहाल मेरे होम, गूगल प्लस मेरे स्मार्टफोन में नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसे अभी रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्विटर है, तो ट्विटर पर क्लिक कीजिए और नीचे आने के बाद आप अपने ट्विटर को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आइए, देखिए फ़ोन जैसे फ़ोन डायलर है, तो यहाँ पे फ़ोन पर क्लिक कर दीजिए और अपने फ़ोन डायलर एप्लीकेशन को यहाँ से एक बार फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। मैसेज के नीचे में जो मैसेजेस लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी जाके अपने जो भी मैसेज एप्लीकेशन का आप प्रयोग ज़्यादा करते होंगे, उस मैसेज एप्लीकेशन को शॉर्टकट में एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बात करते हैं नीचे क्रोम ब्राउज़र की, क्रोम पर क्लिक करके क्रोम ब्राउज़र को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर के सेव बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, तब जाके ही आपका शॉर्टकट सेव होता है। सेव होने के बाद आप होम स्क्रीन पर आइए, यहाँ पे देखिए मैं फ़ोन वाले आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ोन डायलर ओपन हो रहा है। मैं मैसेजेस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा मैसेजेस वाला ओपन हो रहा है, और क्रोम पर क्लिक करते क्रोम ओपन हो जाता है। अब ऊपर मैं बात करते, मैंने फेसबुक को सेलेक्ट किया हुआ था, उस पर क्लिक करते फेसबुक ओपन हो जा रहा है। मैंने ट्विटर को सेलेक्ट किया था, ट्विटर पर क्लिक करते मेरा ट्विटर ओपन हो जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस नोवा सेटअप एडिशन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और अब बात करते हैं नोवा सेटअप के नोवा सेटअप 3 की, जिसका कि नाम रखा गया है माउंटेन क्लाइंबिंग सेटअप। यहाँ पर यह भी सेटअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रयोग किया गया है। नीचे में जो आपको एक यहाँ पे ऐप ड्रॉअर की तरह का लोगो नज़र आता है, इससे आप अपने एप्लीकेशन ड्रॉअर को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सारे एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे जैसे कि शॉर्टकट्स बनाए गए हैं ताकि आप इनका प्रयोग जल्दी कर सकें। ऊपर में आपको देखिए एक टाइम विजेट का प्रयोग किया गया है, बस सिंपली से इसमें एक वॉलपेपर है। यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको विजेट और
वॉलपेपर की डाउनलोडिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही इसमें आइकन पैक का प्रयोग किया गया है, मरकरी आइकन पैक, जो कि पिछले भी इनोवा सेटअप में प्रयोग किया गया था। तो सिंपल है, आपको दो ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा अपने स्मार्टफोन में, दो आइकन पैक को, और आप इन तीनों नोवा सेटअप एडिशन का लुत्फ़ अपने स्मार्टफोन में उठा सकते हैं। और भी तो मैं बता दूं आपको कि KWGT विजेट जो होता है वो प्रो वर्जन आपको गूगल प्ले स्टोर पर फ्री नहीं मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक G5 प्रोवाइड करवाता हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको नोवा सेटअप प्राइम भी फ्री में और KWGT प्रो भी फ्री में उपलब्ध हो जाता है। आप उसे ही इंस्टॉल करें तभी यह सेटअप आपके स्मार्टफोन में ठीक से वर्क करेगा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यह तीनों सेटअप पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिए। आज मैं एम करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा नहीं 20 से 30 लाइक जरूर दे देंगे, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो को देखे और लाइक करे। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से नए नए होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस लेके आते रहूँगा। और अगला सेटअप होगा हमारा स्पाइडरमैन सेटअप, जिसकी आप एक छोटी सी लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं।